बहुत घना जंगल है, काफी दूर तक जंगल है। ये घघारी धाम का छोटा सा वाटरफॉल है जो कि ऊपर से नहीं दिख रहा है, आपको नीचे से दिखाते हैं। ये जो कि न्यू ब्रिज बना है, बरसात में जब पुल नहीं था उसमें काफी दिक्कत होता था, पर अब बन गया है तो काफी सुविधा है। यहाँ मेरा दोस्त लोग फोटो खिंचाते हुए, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर काफी सुंदर ब्रिज बना है, ऊपर से वाटरफॉल का दृश्य दिखाते हैं आप लोग को। ऊपर से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है और आजकल पानी काफी कम है क्योंकि ऊपर जो नदी है उसको बांध के रखा गया है, क्योंकि ऊपर खेती किया जाता है तो पानी का जरूरत पड़ता है। ये ब्रिज अभी तक पार नहीं किए हैं। ब्रिज का नीचे का नज़ारा भी बहुत काफ़ी सुंदर देखने में है, आप लोगों को दिखाते हैं ब्रिज का नीचे का नज़ारा तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अरे यहाँ का जंगल काफ़ी घना है, रात का भी अभी तुरंत पानी आके गया है तो, और थोड़ा थोड़ा बारिश भी कर रहा है अभी भी। अब चलते हैं मंदिर की ओर। जितना भी चबूतरा दिख रहा है, जो नया ईंट का डिजाइन दिख रहा है, ये सब नया बनाया है आजकल ही। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये जो मेरे पीछे जो मंदिर दिख रहा है ये हनुमान जी का है, जो कि नया लग रहा है किसी कलर और रेनोवेट हुआ है नया। इधर जो पीछे दिख रहा है वो माँ दुर्गा का मंदिर है जो कि इस बार ही बना है, काफी सुंदर दिख रहा है, इसका डिजाइन भी काफी सुंदर तरह से बनाया गया है। और ये मंदिर जो दो नए दिख रहे हैं आजकल ही बने हैं, और ये माँ दुर्गा का मंदिर है, ये आपको दिखाते हैं यहाँ का जो देवी का मूर्ति है उसको, काफी खूबसूरत दिख रहा है, इसका डिजाइन भी काफी सुंदर दिख रहा है। ये शिव भगवान का मंदिर है, अब आप लोग को शिव भगवान का मंदिर ले जाते हैं जो कि यहाँ का मेन मंदिर है। ये पीछे जो दिख रहा है ये भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। यहाँ सावन महीना में काफी भीड़ होता है पूजा करने के लिए, लोग दूर दूर से आते हैं, कभी आप भी आइए टाइम निकाल के घूमने के लिए। अभी भी मंदिर का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी काम चालू ही है, देख सकते हैं पीछे काम हो रहा है। अब हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर भी एक मंदिर है भगवान गणेश और लक्ष्मी माँ की।
यहाँ पर नंदी भगवान है, देख सकते हैं। अंदर में साफ सफाई हो रही है। चारों ओर दिखाई देता हूँ, ये जंगल का बीच में है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिनों में मेला लगता है, यहाँ काफी भीड़ होता है, जो कि 14 और 15 जनवरी को लगता है। अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर एक शादी का कार्यक्रम चल रहा है। ये मंदिर एरिया के साइड है, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर। ये ऊपर से वाटरफॉल का नजारा है, अभी पानी ज्यादा नहीं छोड़ा गया क्योंकि ऊपर खेती किया जाता है बोल के, और बरसात का दिन है बोल के थोड़ा सा पानी येलो दिखाई दे रहा है, पर गंदा है नहीं, वो बरसात के कारण वैसा दिख रहा है। तो आप लोग को वाटरफॉल का नजारा नीचे से दिखाता हूं, चलिए नीचे की ओर। यहाँ नीचे की ओर भी एक गुफा में एक छोटा सा मंदिर है बाबा शेषनाग का, तो उसको भी आपको दिखा देता हूँ। रास्ता उतना अच्छा तो नहीं है, पर बनाया गया है ताकि इंसानों को ज्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ अंदर में तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर गेट लगा हुआ है, तो बाहर से देख लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, कभी आइए तो यहाँ पर भी आके यहाँ का बाबा का दर्शन कर लीजिए। अब हम नीचे की ओर आ चुके हैं, तो आपको नीचे से पूरा वाटरफॉल का नज़ारा दिखाते हैं। तो वाटरफॉल का नज़ारा जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है, और ये छोटा सा तालाब है। दिखने में छोटा लग रहा है पर ये बहुत गड्ढा है। ये ऊपर का व्यू है जो कि चट्टानों से होकर आती है नीचे। हेलो गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा तो इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इतना ही। आप वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं।